वाह क्या सीन है। सो वेलकम टू ऑल माय सब्सक्राइबर टू योर वॉइस एजेंसी दिस चैनल। सो गाइस हम लोग बहुत सैड न्यूज है कि हम लोग इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में हम लोग फाइनल हार चुके हैं वर्ल्ड कप का। बट ट्रोल कौन हुआ, मीम्स किस पे बनी, ये देखना बहुत जरूरी है और हमारा चैनल ये चीज़ बहुत जल्दी लाता है लोगों को सर्च करके। तो आज बिगर टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग उस वीडियो की तरफ चलते हैं और मैं गारंटी देता हूँ आप शायद पेट पकड़ पकड़ के हंसोगे। ठीक है तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लोगों को बताओ। फ्री प्रमोशंस मिल रहा है हमारे चैनल के थ्रू। चैनल का क्राइटेरिया यही है, प्रमोशंस का क्राइटेरिया यही है कि आपका चैनल होना चाहिए और आप लोग कोई भी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करना चाहिए आपका वीडियो, हम आपको प्रमोट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक सबका लिंक मिल जाएगा, आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो कर लेना और फॉलो के साथ अगर आपको प्रमोट करना है तो आप लोग DM भी कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या रहा वर्ल्ड कप का, विकेट गिर गए, वो तो मोदी गया होगा देखने। क्या बोला तूने? तो मोदी गया होगा देखने। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने स्टेडियम जरूर पहुंचे, लेकिन जीत के रथ पर सवार रोहित शर्मा एंड कंपनी तीसरी बार चैंपियन बनने से चूक गई। अहमदाबाद स्थित अपने ही नाम की दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पॉलिटिक्स के साथ साथ बॉलीवुड और ग्लैमर इंडस्ट्री के कई बड़े नाम स्टेडियम में आए हुए थे। भारत ने इसे मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 240 रन बनाए, मगर ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट का अपना सबसे बेहतरीन खेल दिखाते हुए हिंदुस्तानियों का सपना चकनाचूर कर दिया। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन दिनों कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो कि वर्ल्ड कप 2023 की बताई जा रही हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूजर्स जबरदस्त तरीके से ट्रोल कर रहे हैं और विपक्ष इन पर जमकर निशाना साध रहा है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी के वायरल हो रहे इन तस्वीरों को शेयर करते हुए हंसराज मीना जी लिखते हैं कि खिलाड़ी चुनौतियों से लड़ सकते हैं लेकिन पनौतियों से नहीं। वह इस वीडियो को साझा करते हुए प्रशांत कनौजिया जी ने कहा कि टीम इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, एक मैच से काबिलियत तय नहीं होती है, ये खेल है कभी हार कभी जीत, लेकिन अगर पनौती खुद स्टेडियम में बैठा हो तो खिलाड़ियों की क्या गलती, चुनौती से लड़ा जा सकता है लेकिन पनौती से नहीं। राम खिलावन नाम के यूजर ने इस वीडियो को साझा करते हुए कहा कि जिस पनौती ने करोड़ों भारतीयों का सपना चकनाचूर कर दिया उसका जवाब जनता चुनाव में देगी। आलोक चीकू नाम के यूजर ने इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा कि जरा सी भी शर्म पनौती में हो तो आगे से किसी शुभ कार्य में न जाए, पूरा देश एहसानमंद रहेगा आपका, पूरा देश आज पनौती को गाली दे रहा है। एक यूजर ने एक कार्टून वीडियो शेयर करते हुए कहा कि अब तो पता लग गया ना असल में पनौती कौन है। गीता पुरानी नाम के यूजर ने लिखा कि अब वक्त आ गया है राष्ट्रीय पशु पक्षी की तरह ही राष्ट्रीय पनौती भी घोषित किया जाए। फिलहाल दोस्तों वायरल हो रहे प्रधानमंत्री मोदी के इस वीडियो पर अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा, मैं आपको बोला था ना बहुत आपको हंसी आने वाली, क्योंकि लोग जो हमारे इंडिया में जो लोग है ना क्रिएटिव लोग, जो लोग ट्वीट करते हैं, जो लोग कमेंट करते हैं, उन लोगों का ना अलग फैन बेस होना चाहिए। ठीक है, फैन बेस बोलने से या उन लोगों का ना एक अलग ऐसा चीज होना चाहिए जिससे लोग अपने आप फेमस हो जाए। जैसे एक ये वीडियो थी, ये दिखाया तो न्यूज़ वीडियो, बट लोगों का जो ट्वीट था ना उसने उसको कॉमेडी बना दिया। मतलब हमारे पास बहुत क्रिएटिव लोग हैं अभी भी, और क्रिएटिव के साथ साथ उनको सच भी दिखता है सबसे मेन। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग एक बार जाके इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और हो सके तो शेयर करना और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सच न्यूज़ बहुत कम लोग दिखाते हैं और फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा लोग दिखाते हैं। तो आप लोग एक बार जाके फॉलो या सब्सक्राइब दोनों कर सकते हैं, इस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।